वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर, स्मार्ट और यंगर लगने वाले सुपरस्टार अनिल कपूर जी के बारे में। दोस्तों, अनिल कपूर को देख के ऐसा लगता है जैसे उनकी उम्र जो है थमसी गई हो, भगवान उन्हें स्वस्थ रखे। तो दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करेंगे अनिल कपूर के बारे में, जो कि बहुत ही सक्सेस अभिनेता और अच्छे इंसान है। उनकी कुछ सुनी और अनसुनी कहानी। तो दोस्तों, अनिल कपूर भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता हैं, जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय को लोहा मनवा चुके हैं। वो अपने समय के सुपरस्टार थे। उन्होंने फिल्मों में डायलॉग बोलने का अंदाज बिल्कुल जुदा है। वे लगभग हर शैली की फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें काफ़ी सराहना भी मिली है। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें अनिल कपूर जी का, तो अनिल कपूर जी का जन्म 24 दिसंबर 1959 को चेंबूर, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे जाने माने फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के बेटे हैं। उनके बड़े भाई बोनी कपूर एक प्रसिद्ध निर्माता हैं और एक छोटे भाई संजय कपूर भी एक अभिनेता हैं। 1984 में अनिल कपूर की शादी सुनीता कपूर से हुई है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां सोनम कपूर जो कि एक्ट्रेस हैं और रिया कपूर, और एक लड़का हर्षवर्धन जो भी फिल्म में एंट्री किए हैं। दोस्तों, सोनम कपूर भी एक अच्छी अभिनेत्री हैं। अनिल कपूर ने उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे 1979 के साथ एक सहायक अभिनेता के रूप में अपना बॉलीवुड का सफर की शुरुआत की। हम 5 1980 में और शक्ति 1982 के रूप में कुछ मामूली भूमिकाओं के बाद उन्हें 1983 में वो 7 दिन में पहली बार प्रमुख भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने एक उत्कृष्ट और स्वाभाविक प्रदर्शन किया। अनिल कपूर ने बाद में टॉलीवुड में भी अभिनय करने की कोशिश की। तेलुगु फिल्म वम्बा वृक्ष और मणिरत्नम की पहली कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी 1983 में भी उन्होंने काम किया है। उसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा की मशाल में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अभिनय कौशल दिखाया और मेरी जंग 1985 जैसी फिल्म में न्याय के लिए लड़ रहे एक नाराज युवा वकील की भूमिका की, जिसने एक अच्छा अभिनेता के रूप में स्थापित किया अपने आप को। इसके अलावा अनिल कपूर ने कर्मा, मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन जैसी फिल्मों में उन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों को पहुंचा दिया। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर को हिंदी सिनेमा का सबसे बेस्ट एक्टर माना जाता है और 24 दिसंबर 1956 को महाराष्ट्र के चेंबूर में ये पैदा हुए थे। अनिल कपूर अभी लगभग 60 ईयर से के ऊपर से हैं। अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर एक फिल्म मेकर थे। उस जमाने में सुरेंद्र कपूर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए अनिल कपूर का परिवार राज कपूर के चेंबूर वाले गैराज में रहते थे। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अनिल कपूर की जो टैक्स पे करते हैं वो सबसे अच्छे टैक्स पेयर में माने जाते हैं और उन्होंने फिल्म में काम करने से पहले पुणे फिल्म संस्थान में अभिनय का कोर्स किया था और उसके बाद उन्होंने मुंबई में अब वो कोशिश करने लगे और अपना ऑडिशन दे रहे थे। 1980 के दशक में अनिल कपूर एक संघर्षशील अभिनेता थे। रोज रोज ऑडिशन के लिए जाया करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़की की महज एक झलक भर उन्हें दिखी और उस झलक में अनिल कपूर दिल हार बैठे। जब उस लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो पता चला वो एक सफल मॉडल हैं। यहाँ तक तो पहुँचना दूर दूर की बात है और उन्होंने काफ़ी जोर लगाया कि उस मॉडल से बात हो सके, तो उनके कुछ करीबी दोस्त ने नंबर प्रोवाइड करवाया और फिर उस मॉडल से उन्होंने बात करने की सोची। दोस्तों, उनके कुछ आलोचनात्मक और आर्थिक रूप से सफल फिल्में भी हैं, जिनमें मेरी जंग, मिस्टर इंडिया, विरासत, इससे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला है, ताल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, इस तरह से कई उनको अवार्ड भी मिला है। और इसके साथ साथ अनिल कपूर ने कहा कि एक बार उनके मन में एक्टिंग से ब्रेक लेने का भी ख्याल आया था, लेकिन उस समय अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अनिल कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 38 साल का समय बीत चुका है। दोस्तों, अनिल कपूर ने कहा कि उनको याद है अरमान की शूटिंग कर रहे थे, तब वो एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहते थे। फिर उन्होंने अमिताभ जी से बात किया तो उन्होंने उनको अभी ब्रेक लेने से मना कर दिया और हमेशा वो काम करते हैं। अनिल के बड़े भाई बोनी कपूर एक सफल प्रोड्यूसर हैं। दूसरी तरफ बोनी की पत्नी श्रीदेवी हैं।
जो थी वो इनकी भाभी बनी, और इनकी दो बेटियां इनकी भतीजी हैं जाह्नवी और खुशी कपूर। बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना थी, जिनसे दो बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। अर्जुन की बॉलीवुड में भी कामयाबी हुई है। छोटे भाई संजय कपूर हैं, संजय बॉलीवुड में बतौर एक्टर काम कर चुके हैं, और वहीं अब तो संजय की पत्नी भी मई संधू हैं जो प्रोड्यूसर हैं। उनकी बेटी शनाया और बेटा जहान है। अनिल की बहन का नाम रीना मारवा है, जिन्होंने संदीप मारवा से शादी की। रीना फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन उनका बेटा मोहित मारवा फिल्म फगली के जरिए बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन की फिल्म मिर्जा अक्टूबर में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म भी काफ़ी अच्छा कमाई किया, जिसमें सलमान खान के पिता सलीम खान और सौतेली माँ हेलन के अलावा अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला भी पहुंची थी। वैसे अनिल के बेटे ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली बॉलीवुड में एक्टिव हैं। अनिल कपूर की जाह्नवी, खुशी, अंशुला और शनाया कपूर नाम की चार भतीजियाँ हैं, जबकि अर्जुन और जहान कपूर उनके भतीजे हैं। दोस्तों, उनकी जो कुछ पुरस्कार और अवार्ड मिला है, उनमें से 2001 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार पुकार के लिए मिला था, 2008 स्पेशल ज्यूरी अवार्ड गांधी माय फादर के लिए मिला था, 1985 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार मशाल के लिए मिला था, 1985 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार तेजाब के लिए, 1993 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार बेटा फिल्म के लिए, और 1998 के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विरासत के लिए, सन 2000 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ताल के लिए, 2000 IIFA सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार बीबी नंबर वन के लिए, और 2000 IIFA सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ताल के लिए, 2006 IIFA वॉल ऑफ फेम के लिए, 2010 में IIFA असाधारण उपलब्धि के लिए उनको अवार्ड मिला। दोस्तों, वो बहुत ही यंग दिखते हैं, उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, और उनके एक जो उनकी बेटी है बड़ी, उनकी उनका भी एक बच्चा है और वो नाना बन चुके हैं। दोस्तों, वो अपने फिटनेस फ्रीक में भी काफ़ी ध्यान देते हैं और बहुत ही फिट रहते हैं और बहुत ही यंग दिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अनिल कपूर जी के बारे में जो मैंने आज जानकारी दी आपको, आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।